फ्रेंड्स, सो आज हम बात करेंगे कि वेटरनरी बीवीएससी के अंडर क्या क्या स्कोप्स होते हैं आफ्टर डिग्री। ठीक है, तो पहले आपको कॉलेज मिलेगा बीवीएससी, आप अच्छी तरह से अपनी डिग्री कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अगर आप साथ साथ में हॉर्स राइडिंग करते हो, एनसीसी में अच्छा रखते हो, तो आगे अगर आर्मी के आप शौकीन हैं तो आरएनवी आर्मी डॉक्टर आप बन सकते हो हॉर्सेस एंड डॉग्स के। ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, उसमें लगभग आपकी अच्छी सैलरी होती है। उसके बाद आप नेवले फॉरेन कंट्री में जा सकते हो, एक एग्ज़ाम होता है उससे, वहां पर आपकी अच्छी सैलरी रहेगी, तो वो भी स्कोप इसमें रहता है। उसके बाद आप अगर भारत में ही आप अगर प्रैक्टिस करना चाहोगे तो वीओ वेटरनरी ऑफिसर लग सकते हो, उसकी भी सैलरी अच्छी है। उसके बाद अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो और रिसर्च करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, पीजी कर सकते हो सर्जरी में, एलपीएम में और मेडिसिन में, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। फिर आगे आप पीएचडी करके आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे प्रमोशन होके प्रोफेसर, हेड, डीएन। तो दोस्तों, वेटरनरी फील्ड जो है वो बहुत ही शानदार फील्ड है। आज मैंने एक्सप्लेन की है कि क्या क्या इसमें स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत स्कोप है दोस्तों, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो। आप प्राइवेट सेक्टर अमूल वेरका डेरीज में हाई पैकेज जॉब्स आपको मिल सकती है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा स्कोप है, हर जगह अच्छा स्कोप है दोस्तों। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे आपको वेटरनरी के बारे में सारी जानकारियां मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक्स।